मध्य प्रदेश के दतिया में असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर ग्वालियर अनुराधा शर्मा ने चेकिंग के दौरान 16 टन मूंगफली के बोरों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्नाव बाईपास स्थित महालक्ष्मी धर्मकांटा सड़क मार्ग पर जब्त किया है। असिस्टेंट कमिश्नर की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और प्रारंभिक जांच पड़ताल के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाए जा रहे माल के कोई भी कागजात मौके पर नहीं मिले। असिस्टेंट कमिश्नर अनुराधा शर्मा ने मनमानी करके भगा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को माल सहित थाना पुलिस लाइन के सुपुर्द कर दिया। राज्य एवं वस्तु कर अधिनियम धारा 68 के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। हमें मध्य प्रदेश राज्य एवं वस्तु कर अधिनियम के धारा 68 के अंतर्गत पावर मिलते हैं और इसके उपरांत हम चलती हुई गाड़ियों पर कार्रवाई करते हैं। तो इस दौरान हम सुबह अपनी नियमित कार्रवाई में कार्यरत थे, उस दौरान एक गाड़ी हमें मिली और जब हमने इसको डिटेन किया एट द टाइम ऑफ इंटरसेप्शन, उसके पास कोई भी इनवॉइसेज उपलब्ध नहीं थे और कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे कि ये सिद्ध हो पाए कि माल किसका है। तो प्राइमा फेसी हमने उसे जब्त करने के लिए उसे डॉक्यूमेंट मांगे, गाड़ी को थाने लाने के लिए कार्रवाई के लिए कहा तो उसने डिनाई कर लिया। देन आई विल कॉल थाना TI ऑन सिविल लाइन। सो ही मैम, ट्रैक्टर में क्या था और कितना था इसकी मात्रा? एक्चुअली अभी तो हमने इस पे कार्रवाई हमारी कार्यरत है, हमने सिर्फ अभी थाना प्रभारी के सुपुर्द यहाँ पर हमने लेटर लिखवा दिया है और उसका धर्मकांटा करा लिया है। तो उसमें टोटल माल सहित वाहन का जो क्वांटिटी है वो या उसका वॉल्यूम जो है वो है 16 टन के लगभग है। तो बाद में हम अपनी फर्दर जब भी कार्रवाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू एंड टैक्स रेट आई। मैम, ट्रैक्टर में क्या था? ट्रैक्टर में क्या पकड़ा है आपने? मूंगफली है। मैम, आपका शुभ नाम और आपकी पोस्ट क्या है? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, अनुराधा शर्मा और असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स GST।